हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ के हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके नोट्स मिलते जाएंगे और हर चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मिलते जाएंगे। और साथ ही साथ हर एक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के 10-10 मॉडल पेपर मिलेंगे। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मॉडल पेपर आप जनवरी से लगाना उसको स्टार्ट कर दीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। उससे होगा क्या कि आपका एग्ज़ाम आप तब देने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस की आप में कमी नहीं रहेगी, और आप पहले ही से उस टाइप के 10 क्वेश्चन पेपर देखे रहेंगे तो आप वहाँ पर जाके आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इतना स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपकी 80% गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ रिफरेंस टू मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज पॉइंट और क्लीवेज प्रॉपर्टी और नेचर। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका आपको अंतर बताना है कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है, किसके बेसिस पे, मतलब किस मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर बताना है, क्लीवेज प्रॉपर्टी के आधार पर बताना है और नेचर के आधार पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। पिछले वीडियो में जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते थे उसका आंसर नहीं बताते थे, कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए थे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी चैप्टर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। आप बस कमेंट कर दिया कीजिए और नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का क्या डिफरेंस होता है वो बताया कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और अमॉर्फस में क्या होता है, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सब डिफरेंस है, ये आपको मैं अगर बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा, पूरा आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी पे क्या इनका डिफरेंस होता है, नेचर दोनों का क्या अलग अलग होता है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन वो है, हाउ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो तीन तरीका है इसका क्लासिफाइड करने का, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला क्या तरीका है, मॉलिकुलर सॉलिड के बेसिस पे, दूसरा आयोनिक सॉलिड के बेसिस पे, तीसरा मेटेलिक सॉलिड के बेसिस पे, और चौथा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बेसिस पे। तो ये पूरा आंसर आप है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और पूरा आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस है। और ख़ास करके ये तो आप जान लीजिए कि सॉलिड स्टेट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन इसका आने का बहुत चांस रहता है न्यूमेरिकल का। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनायन सी आर अरेंज इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कटायंस ए ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड कटायंस बी ऑक्यूपाई 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो आप पहले एनसीईआरटी में जाके ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी में जाके जितने भी वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या जितने भी पैकेजिंग का क्वेश्चन है, वो आप वहाँ से एक बार पूरा देख लीजिएगा। वहाँ पे फॉर्मूला भी बहुत सारा होगा, वो सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। वो आप कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और साथ ही साथ जेई मेंस का उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया, आप इसको देख लीजिएगा। पहले क्या मान लिया कि जो नंबर ऑफ एनायन सी है वो 100 है, तो अब जो कटायंस की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कटायंस ए ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड का आप जानते होंगे जो फॉर्मूला होता है 2C होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, जो नंबर ऑफ कटायंस को कैसे फाइंड किया, 50/100 लिख दिया, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, और ऑफ के जगह इनटू लगा दिया, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जगह 2C लिख दिया, तो ये जो 1/2 है कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। अब नंबर ऑफ कटायंस बी जो फाइंड करना है उसमें क्या किया है, 50/100 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का आप जानते होंगे क्या होता है, सी होता है, तो वहाँ पे ये सी लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी लिख दिया है, तो ये 50 आ जाएगा। तो पूरा जो रेशियो क्या बना, रेशियो बना ए बी सी का 100:50:100, क्योंकि 100 तो पहले से दिया था जो हम लोग सपोज किए थे 100, और फिर 50 उसका नंबर ऑफ कटायंस ए की वैल्यू निकाले हैं, और नंबर ऑफ कटायंस बी का कितना आ रहा था, वो 100 आ रहा था। तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देख लीजिएगा इसको, देखिए नंबर ऑफ कटायंस बी का है वो 50 आ रहा है, और जो सी का वो 100 आ रहा है, और ए का 100 आ रहा है, तो ये पूरा रेशियो बना लेंगे 2:1:2 का, और फॉर्मूला बनेगा
ए टू बी सी टू। आप इसको दो तीन क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि इसका पूरा सॉल्यूशन बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ और साथ ही साथ उसका आंसर भी दे दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लोग कह रहे थे कि बस सर आप बस क्वेश्चन देते हो और आंसर नहीं देते, इसलिए मैं आंसर भी साथ ही साथ दे देता हूँ और आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ आयनिक सब्सटेंस सो स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस टाइप का क्या स्कॉटी डिफेक्ट, आयनिक सब्सटेंस इन विच द कटायंस एंड अनायंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जिसका कटायंस अनायंस का साइज सिमिलर होता है वो स्कॉटी डिफेक्ट होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आयनिक सब्सटेंस इन विच देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन अ साइज ऑफ अनायंस, मतलब कटायंस अनायंस के साइज में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। अब देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ये NaCl क्या है, स्कॉटी डिफेक्ट है कि फ्रैंकल डिफेक्ट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, अल्मोनियम क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेल्टिंग रेडियस इज 1 to 5 PM, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। और जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 cm³ ऑफ अल्मोनियम। तो इसको सॉल्व कैसे किया गया देख लीजिए, फॉर क्यूब क्लोजिंग पैक स्ट्रक्चर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ये फॉर्मूला है ना, ये पूरा फॉर्मूला NCERT में दिया है क्यूबिक पैकिंग का, पूरा पैकिंग का पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो फिर आपको रेडियस का फॉर्मूला होता हुआ है उसमें, तो ये सब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए पूरे सॉल्यूशन में इसको अच्छे समझाया गया है, फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व किया है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, a = 22√R, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल को कैसे सॉल्व किया गया, ये भी इसमें दिखाया गया। तो इसमें क्या है कि मेनली देखिए सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, बस आपको क्या है कि जो फॉर्मूला याद रहेगा ना रेडियस का और पैकिंग का ये सब, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन गारंटी है कि एक बोर्ड में इसका आता ही आता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इफ़ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कटायंस वैकेंसी। तो इसको आप देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हमसे बात कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हम बता देंगे। अब सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कि न्यूमेरिकली है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस, इफ़ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 × 10⁻¹ cm एंड डेंसिटी इज 10.5 g, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। इसमें क्या करना है आपको, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कंटेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इसका सॉल्यूशन दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये क्या कि बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जो फॉर्मूला है इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो आठवां क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा है, ये देख लीजिए। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है वो भी आपका न्यूमेरिकली बेस्ड है, सब रिलेटेड उसी से। एक बार आप NCERT को जरूर पढ़ लीजिएगा, NCERT पढ़ लेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला का आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए टेंथ क्वेश्चन भी वही उसी पे बेस पे, इसमें डिराइव करने को बोला कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन r एंड R, इस टाइप के भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे ये सॉल्व किया है। इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको साथ में साथ सॉल्यूशन भी दे देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देख लीजिए। जो 11th क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड पे है, अब 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ़ यू नो द डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल। अगर आपको डेंसिटी और डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल का पता है तो उसका आप एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। तो इस पूरे न्यूमेरिकल पूरे ये सॉल्यूशन में समझाया गया कि कैसे निकालते हैं, अब इसको देख लीजिएगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कमेंट कलेक्ट, ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा इसमें क्या बताया गया है। तो ये पूरे 13 क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको यहाँ पे 12 के हर एक रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक में या सब्जेक्ट या क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए, और नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद उस पर वीडियो मिल जाएगी। और इंस्टेंट अगर आपको तुरंत कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको
जितना जल्दी हो सके हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।